अब खैर उन्होंने एफआईआर की जब मीडिया पे सारा वीडियो वगैरह चला, 24 घंटे हो गए इस घटना पे, करीब करीब 24 घंटे बाद भी एलजी साहब की तरफ से, जो जिनके कंट्रोल में दिल्ली पुलिस आती है, एक ट्वीट तक नहीं आया, एक बयान तक नहीं आया उनकी तरफ से। दिल्ली पुलिस को वो कंट्रोल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली में, दिल्ली के आम नागरिकों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली में। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, उनकी तरफ से एक बयान तक नहीं आया। इसका मतलब उनको भी पता था इस पूरे पुलिस साजिश का। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे देश के, केंद्रीय गृह मंत्री जी, उन्होंने फोन किया मुख्यमंत्री जी को, फोन करके कहते हैं कि आप एफआईआर करवा दीजिए, आप कंप्लेन दे दीजिए। यह आश्चर्यजनक है, पुलिस की मौजूदगी में एक अपराध हुआ और आप दिल्ली के चुने हुए चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं आप कंप्लेन दे दीजिए। यानी कि कहीं कोई मर्डर हो जाए पहले पुलिस ये कहती है कंप्लेन दो, हम तब कार्रवाई करेंगे। कल को कुछ हो जाता तो आप कहते पहले कंप्लेन दे दें आम आदमी पार्टी। ये तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन का, ये तरीका होता है पुलिस के मामलों को आगे बढ़ाने का। साफ साफ दिख रहा है इस सारे घटनाक्रम से कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये हमला प्लांट कराया है, साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या कराने की। पहले वो उनके काम रुकवाना चाहते थे दिल्ली सरकार,